इस मासूम से बच्चे को सिर्फ यही एक डर था कि कहाँ रही है यार, बॉल आई नहीं आई यार। भैया वो बॉल गई होंगी, कल आई थी दोबारा, दोनों बॉलें हैं यही है छत। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, और बहुत बढ़िया दिन कटा है आज का। और जैसा कि न्यूज़ में देख रहा हूँ मैं, लॉकडाउन बढ़ रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि जितने भी अभी तक बीमार हुए हैं उनकी संख्या बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि जितने पहले हो चुके थे। हाँ बोलो, क्यों क्यों बुला रहे? बोल दे, नहीं है मेरे पास बॉल, बोल दे नहीं है मेरे पास। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन बढ़ना तो लाजमी है क्योंकि जितने भी बीमार हो रहे हैं संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं कि उन अब अभी मैंने आपको जैसे बताया था, एक आध बंदा है जो कि एक मोदी नगर के पास एक बंदा है, वो उसको डिटेक्ट हो चुका था वायरस, लेकिन वो कहीं से ट्रैवल करके भी आया था। जैसे ही उसके घर में पुलिस आई चेकिंग के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वो बंदा अपने पीछे के गेट से भाग गया। और अब वो सोचो कि जो बंदा वो भागा है पीछे के गेट से, तो वो कितने बंदों को लेके डूबेगा अपने साथ। सेफ्टी रखें अपने घर वालों की, खुद के घर वालों की सेफ्टी रखें, दूसरों को और लपेटे में लेंगे। अच्छा एक व्लॉग शूट किया रखा है मैंने पहले से ही, लेकिन ना ध्यान रखियो क्या हो गया। एक शूट पहले से ही मैंने व्लॉग शूट करके रखा हुआ है, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं है। वो थी एक रेसिपी, अब सोच रहा हूँ इसमें दिखाऊं या ना दिखाऊं, बस समझ में नहीं आ रहा। इस मासूम से बच्चे को सिर्फ यही एक डर था कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई। अब छत पे हम खेल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। बैट्समैन रेडी हो जाओ, पहली बॉल में तुम आउट हो, चलो चलो चलो। छह बॉल का आउट वाला खेल रहे हैं। ओ आ गई आ गई आ गई, कहाँ गई कहाँ गई ये, चलो इतनी सी बॉल, बच्ची जैसी बॉल तो ही मारी नहीं जाती है इनसे। लो कैमरे की वजह से आउट नहीं हो पाया, वरना सीधी कैच आई थी मेरे पास। ये आउट, वन टू, अबे लग गई। ओए अबे अबे साफ करो बैट, ओए लग गई बॉल। कोई बात नहीं, चोट लगी है, रो रहे बैट से। कोई बात नहीं, होता है, गेम में हो जाता है, कोई बात नहीं। चुप हो गया फील्डर, हो गया चुप। के साथ एक बॉल और बाउंड्री से पार। अभी क्या है कि मेरा स्टैंड जो होल्ड करता है फोन को, मतलब ट्राइपॉड का जो स्टैंड है, वो पूरी तरीके से नीचे टूट सा ही गया था एक तरीके से, लेकिन हमने भी दिमाग लगाया। दिखाता हूँ, ये लकड़ी है, इस लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने नीचे की ओर फंसा दिया। फिलहाल लेवल पे अभी कहानी, अब देखो कब तक चालू रहता है ये। बैट्समैन बॉल लेने गया है, अरे साइड पर देखते हैं बॉल मिल पाती है नहीं मिल पाती है।
आई नो, मुझे पता है कि ये व्लॉग बहुत लेट आया है, लेकिन यार आपको भी पता है कि घर पे बैठे हुए मैं क्या कंटेंट दिखाऊं ना, मेरा दिमाग काम कर रहा था। एक तो इसे एक हफ्ते ना मेरा दिमाग भी बहुत, मतलब मूड इतना ख़राब था, बहुत मूड ऑफ था मेरा, पता नहीं किस बात पे था, वजह कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में ना कंटेंट था ना कुछ था, बस मन कर रहा था एक हफ्ता थोड़ा सा रिलैक्स करने का, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा, मतलब मूड ऑफ था। अब क्या था क्या नहीं था, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं मेरे साथ कि मूड ऑफ होने वाली, लेकिन बस एक बार हो जाता है मूड ऑफ, कोई बात नहीं भी होती तब भी कुछ ना कुछ। देखो जैसे खुशी होती है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि खुशी किसी भी चीज़ में आपको मिल सकती है, ऐसी मूड ऑफ की चीज़ है, मूड ऑफ आपका किसी भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन जो भी है, घर पे तो बैठे हैं, अब तो अच्छे अच्छे क्रिएटर घर पे बैठे हैं और बना रहे हैं घर पे बैठ के वीडियोस जितनी बन सकती है। और इस वक्त मैंने एक चीज़ और करी है, इतनी ये एक हफ्ते के अंदर मैंने टिकटॉक भी बहुत अच्छी बढ़िया बढ़िया बनाई है, टिकटॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बहुत ही अच्छी अच्छी टिकटॉक बनाई है, होपफुली आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी तो लगेगी लगेगी यार, इतनी मेहनत करी है बनाई है, और आपके लिए टिकटॉक बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, तो भाई साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, कितना मैं आप बार बार बोलता हूँ आपसे कि कृपा बरसाओ, बहुत ज़्यादा बरसाओ। और बाकी भाई सुबह उठने वाला हूँ मैं जल्दी, सुबह का भी व्लॉग आपको दिखना चालू हो जाएगा कल से, और क्योंकि सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि जो कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, मम्मी उठा रही थी बार बार सुबह, मैं उठता ही नहीं हूँ, क्योंकि रात को हॉन्टेड फिल्में देखते हैं तो भाई नींद पूरी होती नहीं है और सुबह उठ पाते नहीं है। सुबह उठना चाहिए, बहुत जरूरी है उठना, और इस लॉकडाउन में ये जो बड़ा है 30 दिनों में, और दोबारा आप अपनी फिटनेस को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, और जो आप एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो, और जब तक कर सकते हो तब तक करो यार घर पे भी, क्योंकि एक्सरसाइज कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी छोड़ो मत एक्सरसाइज, जिम जाओगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जिम जाना तो अच्छे से और होगी, लेकिन जितनी हो सकती है घर पे करो अपनी एक्सरसाइज, और थोड़ा जो डेली रूटीन का आपकी डाइट है उसको भी अच्छे ढंग से फॉलो करो, ये नहीं कि एक्सरसाइज कर ली है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है ये काम, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद फिर भाई मेरी डाइट की ऐसी की तैसी हो जाती है, मतलब मैं कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, जबकि मैं एक दो दिन से ये चीज़ कम कर रहा हूँ, डाइट कंट्रोल में है मेरी, लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत लोग होते होंगे कि हाँ भी आज एक्सरसाइज कर ली भैया, ले आओ 5 पराठे ले आओ आलू के और पनीर के, तो भाई जो भी है एक्सरसाइज तो कल कर ही लेंगे, लेकिन यार उसका फ़ायदा नहीं होता, एक्सरसाइज करो लेकिन चीट मत करो अपने साथ। मैं अपने हाथ से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ फिर से, अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो देखता हूँ, 2 नए ट्राइपॉड भी लूँगा मैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे मेरे को तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, It's 8:30 AM और सुबह इतना मज़ा आ गया आज उठने के बाद, जो सनराइज सोच रहा था आपको दिखाने की, लेकिन बादल बहुत हुए पड़े हैं, देखो यहाँ पे हमारे सूरज देवता हैं, लेकिन आज बादल ज़्यादा हुए पड़े हैं। अपना लेते हो तो वो चीज़ को किए बगैर आपका मन मानता नहीं है, तो ऐसा ही है कि एक्सरसाइज भी डेली रूटीन में होनी चाहिए सबके, बहुत ही अच्छा रहता है सबकी सेहत के लिए, और एक्सरसाइज तो कभी छोड़नी चाहिए भी नहीं, करनी चाहिए हमेशा। हमारे मोदी जी ने 30 अप्रैल तक का टाइम दे दिया लॉकडाउन का, बाकी अब देखो 30 अप्रैल को पता चलता है कि और आगे बढ़ेगा या खुल जाएगा पूरा। देखो इकोनॉमी तो डाउन हुई है, लेकिन आपके अकेले की डाउन नहीं हुई है, पूरे देश की डाउन हुई है, पूरे वर्ल्ड की, तो आप अकेले नहीं हो उस चीज़ के अंदर, बाकी सारी दुनिया भी है आपके अलावा, तो यार जो भी हो रहा है आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी बनाए रखो, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। हम तो देखो मैं तो आपको दिखाते ही रहता हूँ कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ खेलते रहो, गेम्स वगैरह, अपना ध्यान रखो बस। तो फिर इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, कृपा बरसाओ यार, बहुत ज़रूरी है। ओके टाटा।